जो तीसरे डे नाइट टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम में हो सकते हैं। भारतीय टीम ने इंग्लैंड को चेन्नई में खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में जबरदस्त हार दी। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने सीरीज एक एक से बराबर कर ली है। भारत को पहले मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन दूसरे मैच में टीम ने शानदार खेल करते हुए वापसी की। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट अहमदाबाद में होगा। ये मुकाबला डे नाइट होगा और इस वजह से इस मुकाबले की अहमियत बढ़ गई है। दूसरे टेस्ट मैच में रोहित शर्मा, राणे और रविचंद्रन अश्विन जैसे खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। अश्विन ने विकेट चटकाने के अलावा शानदार शतक भी लगाया। अब सबकी निगाह तीसरे टेस्ट पे है। तीसरे टेस्ट में पहला बड़ा बदलाव, जसप्रीत बुमराह की प्लेइंग 11 में वापसी। दिग्गज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को दूसरे टेस्ट मुकाबले से रेस्ट दिया गया ताकि वो डे नाइट मुकाबले के लिए पूरी तरह से फ्रेश हो सके। बुमराह की वापसी तीसरे टेस्ट मैच के लिए तय है। कुलदीप यादव या फिर अक्षर पटेल में किसी एक को ड्रॉप करके बुमराह को प्लेइंग 11 में लाया जा सकता है। बुमराह पिंक बॉल टेस्ट मैच में भारत के लिए काफी अहम साबित हो सकते हैं। दूसरा बड़ा बदलाव, मयंक अग्रवाल की भी तीसरे टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम में प्लेइंग 11 में वापसी हो सकती है। अग्रवाल ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम का हिस्सा थी, उन्हें कुछ मैचों में अच्छी शुरुआत भी मिली थी, लेकिन वो उसे बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए। किसी एक गेंदबाज को कम करके मयंक अग्रवाल को टीम में शामिल किया जा सकता है। इसकी वजह यह है कि डे नाइट मुकाबले में एक बल्लेबाज की जरूरत ज्यादा पड़ेगी। और तीसरा बड़ा बदलाव, शुभमन गिल की जगह केएल राहुल। गिल दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन चोटिल हो गए। शॉर्ट लेग पर फील्डिंग करते हुए उनकी कोहनी में चोट लग गई, इसी वजह से वो चौथे दिन फील्डिंग के लिए नहीं उतरे और उन्हें स्कैन के लिए ले जाया गया। ऐसे में इस बात की संभावनाएं हैं कि उनकी जगह तीसरे टेस्ट मैच में केएल राहुल को मौका दिया जा सकता है। ऐसे में देखना होगा कि इन तीन बड़े बदलाव के साथ अगर भारतीय टीम उतरती है तो कैसा खेलती है।